गाइस वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे आप सब लोग? पर्पल पर चल रही है रिपब्लिक डे सेल गाइस, फ्रॉम 20 जनवरी से लेकर 26 जनवरी तक। तो मैंने भी बहुत सारी आइटम्स परचेज करी है। मैं आज आपके साथ अपना ह्यूज पर्पल हॉल शेयर करने जा रही हूँ। मैंने जो आइटम्स मंगवाई हैं ये ओवर द पीरियड ऑफ टाइम मंगवाई हैं, जो आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ और आपको रिकमेंड करना जा रही हूँ। होप आपको कोई ना कोई आइटम जरूर इसमें अच्छी लगी होगी और आप इस सेल का फायदा उठा सकते हैं, क्योंकि इसमें बहुत आपको बाय वन गेट वन के ऑफर और सारे ब्रांड्स के ऊपर बहुत अच्छी खासी ऑफर्स मिल रहे हैं। तो मैंने भी बहुत सारी परचेज की हुई है। सारे की सारी चीजें मैं आज आपके साथ शेयर करूंगी। कुछ स्किन केयर है, बहुत सारी लिपस्टिक्स हैं। तो चलिए वीडियो को, इंट्रो को लंबा नहीं खींचते, लेट्स बिगिन विद टुडेस हॉल वीडियो। और हाँ गाइस, आगे बढ़ने से पहले नीचे दिए रेड सब्सक्राइब बटन को जरूर जल्दी से क्लिक कर दीजिए और उसके साथ जो बेल बटन है उसको भी हिट कर दीजिएगा, सो दैट कि आप नोटिफाइड रहे मेरी आने वाली सारी वीडियोस के लिए। एंड इट इज फ्री ऑफ कॉस्ट गाइस। ओके गाइस, सबसे पहला जो प्रोडक्ट है वो है मैंने खरीदा न्यू लॉन्च ऑफ एल्प्स गुडनेस। यस, एल्प्स गुडनेस ने न्यू टोनर्स जो है वो लॉन्च किए हैं। उनमें से मैंने भी एक टोनर परचेज किया है, आप देख सकते हैं इसको। ये है एलोवेरा हाइलोरोनिक एसिड एंड स्क्वालेन हाइड्रेटिंग टोनर। ये जो टोनर है ये आपकी स्किन को बहुत अच्छे से हाइड्रेट करता है, बिकॉज इसके अंदर एक तो आपको एलोवेरा मिल जाती है प्लस साथ में हाइलोरोनिक एसिड मिल जाता है जो आपकी स्किन को हाइड्रेट करता है। एलोवेरा आपकी स्किन को सूद एंड काम करती है और जो स्क्वेलन है वो रिफ्रेश करता है और नरिश करता है आपकी स्किन को। तो मैंने ये वाला टोनर इसलिए परचेज किया क्योंकि एक तो टोनिंग हमें बिल्कुल भी मिस नहीं करनी है थ्रू आउट द ईयर। सेकेंडली, अगर आप विंटर्स में कुछ हाइलुरोनिक एसिड प्लस आपने स्किन के ऊपर आप लगाएंगे तो आपकी स्किन बहुत अच्छे से अंदर से हाइड्रेट रहेगी। तो आप इसको एक ट्राई दे सकते हैं। इसके जितने भी वेरिएंट्स हैं उसमें से आप किसी को भी ट्राई दे सकते हैं। मेरे को ये वाला जो वेरिएंट है वो इसलिए अच्छा लगा क्योंकि मैं इसको आने वाले फर्दर सीजन में भी यूज कर सकती हूँ, आफ्टर विंटर्स भी। और ये सारे के सारे प्रोडक्ट्स जो है वो पैराबिन फ्री है, एल्कोहल फ्री है और सिलिकॉन फ्री भी है। तो चलिए चलते हैं हमारे नेक्स्ट प्रोडक्ट की ओर। नेक्स्ट जो प्रोडक्ट है वो है फेसेस कैनेडा का फ्रेश क्लीन ग्लो मेकअप रिमूवर वाइप्स। ये 10 वाइप्स हैं। अभी के प्राइसेस आपको स्क्रीन के ऊपर मेंशन मिल जाएंगे तो आप वहां से देख सकते हैं। और जो पर्पल ऐप का लिंक है वो आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अगर आप उसके थ्रू शॉपिंग करते हैं तो आपको अच्छे खासे ऑफर्स प्लस डिस्काउंट्स भी मिलेंगे। और जो भी कोड्स मेरे पास अवेलेबल हुए फ्लैट 100 रुपीज 75 रुपीज ऑफ के, वो सारे मैं आपको नीचे मेंशन कर दूंगी, आप नीचे चेकआउट कर सकते हैं। तो चलिए बात करते हैं इस प्रोडक्ट की। ये प्रोडक्ट जो है आपको एमआरपी इसकी 99 रुपीज है, 2-3 ईयर्स की इसकी शेल्फ लाइफ मिल जाती है। इसमें आपको 10 वाइप्स मिल जाते हैं। ये बहुत ही ना गाइस हैंडी है और इससे मेकअप बहुत अच्छे से रिमूव हो जाता है। ये मेरा सेकंड परचेज है और आप इसको अपने क्लच वगैरह पर्स वगैरह में इजिली कैरी कर सकते हैं। अपने टचअप्स के लिए, अपना मेकअप कहीं पे भी आपने रिमूव करना है आप रिमूव कर सकते हैं, दोबारा अप्लाई करना अप्लाई कर सकते हैं। क्योंकि सेकेंडली ये मिनी पैक है, छोटा पैक है। इसमें अगर आपको पसंद आया आप बड़ा पैक भी ले सकते हैं, बट मैंने अपने पर्स वगैरह में रखने के लिए छोटा पैक ऑर्डर किया था, तो आप इसको भी एक ट्राई दे सकते हैं। ओके, तो गाइस नेक्स्ट चलते हैं हमारा। ये है वाओ स्किन साइंस की तरफ से अमेज़न रेन फॉरेस्ट कलेक्शन में से मेरे पास बॉडी बटर, आप देख सकते हैं। ये है बॉडी बटर गाइस। इसमें टुकुमा बटर है, कुपुआ बटर है और प्रो विटामिन B5 है फॉर लश वेलवेटी सॉफ्ट स्किन। नो पैराबेन, नो सिलिकॉन, नो मिनरल ऑयल, नो कलर्स, बिल्कुल भी इसमें कुछ भी है नहीं। और साथ के साथ ये क्रुएल्टी फ्री भी है गाइस। 400 की एमआरपी है, बट वाओ के ऊपर बाय वन गेट वन या फ्लैट 30% फ्लैट 40% बहुत अच्छे अच्छे ऑफर्स चल रहे हैं, डू चेक इट आउट गाइस। और वाओ के जो बॉडी बटर्स है वो बहुत ही अच्छे हैं। इसकी आउटर पैकिंग कुछ इस तरीके की है, अंदर से आपको बहुत अच्छा खासा टब मिल जाता है और साथ में एक इंस्ट्रक्शन वाउचर भी मिल जाता है। और इसकी आपकी क्वांटिटी आई गेस 250 ml की क्वांटिटी है इसकी आपके पास, 200 की क्वांटिटी है। और ऐसी कुछ इसकी इनर पैकेजिंग है वाओ के। मोस्टली जो न्यू पैकेजिंग आई है बॉडी बटर्स की या फेस पैक्स की, उनकी बिल्कुल ऐसी की पैकेजिंग ही आई है। ऐसे इसका कैप है और ऐसे आप इसको ओपन कर सकते हैं। मैंने इसको यूज करके देखा है गाइस, बहुत अच्छा है, क्वांटिटी भी अच्छी खासी है, आपके अच्छे हैंड्स को बहुत अच्छे से नरिश कर देता है। मैं आपको अगर इसका टेक्सचर दिखाऊं, ये आपको गाइस क्रीम नहीं है, ये एक बॉडी बटर की तरह है। तो इसकी कंसिस्टेंसी थोड़ी सी थिक है, बट जब अगर आप अपने जब भी आप अपने हाथों पे लगाते हैं तो आपके हाथों की वॉर्म के साथ ये मेल्ट हो जाता है
और साथ के साथ वो आपके हैंड्स को बहुत अच्छे से हाइड्रेट कर देता है, नरिश कर देता है। तो आप इसकी रेंज में भी ट्राई कर सकते हैं, आपको काफी अच्छे रेंज के बॉडी बटर्स इसमें आपको मिल जाएंगे। नेक्स्ट जो प्रोडक्ट है गाइज वो है पर्पल की तरफ से मेरा काजल। इसमें जो मैंने शेड मंगवाया है वो है कॉपर शेड, काफी अच्छे खासे शेड रेंज है वहां पे, आप अपने पसंद का मंगवा सकते हैं। तो मेरे को ये थोड़ा सा ना कि मैं इसको एज ए आई शेडो, एज ए लाइनर, एज ए काजल यूज कर सकूं, इसलिए मंगवाया था। रिट्रैक्टेबल पेंसिल है गाइज, आपको शार्पन करने की जरूरत नहीं है और कलर पे ऑफ भी बहुत अच्छा है। उसके बाद गाइस मैंने जो नेक्स्ट प्रोडक्ट मंगवाया है वो है एल्प्स गुडनेस का रोज वाटर। सी ये जो रोज वाटर है ना, इसकी क्वांटिटी गाइस 50 ml की है। ये एक छोटू सा पैक है, ये मैंने सिर्फ ट्रेवल पर्पस के लिए या अपने पर्स में रखने के लिए मंगवाया है, सो दैट कि जब भी हम कहीं बाहर जाते हैं या थोड़ा सा भी बाहर कहीं जाते हैं तो ये ना लाइक एक फेस मिस्ट की तरह रोज वाटर आपका काम करता है। आपने छोटे से कॉटन पैड पे लिया या अपने पाम पे लिया, अपने फेस को डैप कर लिया, आपको बहुत ही अच्छी सी रिफ्रेशमेंट मिल जाती है। रोज वाटर एक ऐसा प्रोडक्ट है जिसको मैं थ्रू आउट ईयर्स यूज करती हूँ। ये ऐसी इसकी इनर पैकेजिंग है और आपको क्लिप के, ये ऐसे आपको स्प्रे बॉटल नहीं है गाइस, आपको ऐसे करके इसको पोर करना पड़ेगा। बट अच्छी खासी क्वांटिटी है और पैकेजिंग भी स्लीक है, प्लास्टिक की बॉटल है, टूटने का डर नहीं है, तो आप कहीं पे भी इसको कैरी कर सकते हैं। नेक्स्ट मैंने मंगवाए हैं गाइस बायोटिक के दो लिप ग्लॉसेस। यस आई लव दिस लिप ग्लॉसेस गाइस, इतने इतने अच्छे लिप ग्लॉस हैं, इतनी अच्छी इसकी क्वांटिटी है, क्वालिटी भी इतनी अच्छी है। आपको 3 years की इसकी शेल्फ लाइफ मिल जाती है। 450 rupees का ये एक है जिसमें 3.5 ml की क्वांटिटी है। एक जो मेरा शेड है वो है ये आप लिपस्टिक के ऊपर भी अप्लाई कर सकते हैं। ये जो शेड है इसका नाम है हार्ट स्टॉपर्स, बहुत ही प्यारा रेडिश कॉपरी सा शेड है, बट अप्लाई किया हुआ इतना ब्राइट सा नहीं लगता, नॉर्मल शेड है, आप रेगुलर में भी इसको यूज कर सकते हैं। और माई फेवरेट शेड इज दिस वन, इसका नाम जो है वो है लव बर्स। यस दिस इज माई फेवरेट शेड और इसमें आपको थोड़ी सी शीन भी मिलेगी, ऑल दो अप्लाई करते वक्त इतना चंकी पार्टिकल्स वगैरह नहीं लगते। मैं दोनों का आपको हैंड स्वॉच दिखा देती हूँ एंड गाइस लुक एट इट्स एप्लीकेटर, सो ब्यूटीफुल एप्लीकेटर, इतने प्रिसाइजली ये अप्लाई हो जाता है ना। और ये लिप ग्लॉस गाइस कोई भी स्टिकी नहीं है, बहुत हैवी नहीं है, बिल्कुल लाइट वेट फॉर्मूला है, स्टिक नहीं करते हैं, बहुत अच्छी क्वालिटी है। और ये मोस्टली आउट ऑफ स्टॉक ही रहते हैं, अगर आपको कहीं पे भी ये अवेलेबल मिलते हैं तो इसको एक ट्राई जरूर दीजिएगा गाइस। इसमें अगर आपको कोई भी शेड मिलता है, इसकी आपको बहुत सारी वीडियोज मिल जाएंगी यूट्यूब के ऊपर, आप अपना शेड पसंद कर सकते हैं। अगर आपको कुछ भी मिलता है तो आप जरूर इसको ट्राई कीजिएगा, बहुत बहुत अच्छे लिप ग्लॉसेस है। ओके तो ये जो शेड है मैं रेगुलर में भी यूज करती हूँ, इसमें आपको थोड़ी सी हिंट जो है ना वो पर्पल की शीन की मिलेगी, जैसे होता है ना कैरमल मोका सा शेड है और उसमें आपको पर्पल सी शीन सी मिलती है, बहुत प्यारा लगता हुआ, बहुत प्यारा लगता है लिपस्टिक के ऊपर अप्लाई किया हुआ अभी। सी बहुत अच्छा शेड है, one of my favorite shade guys। okay तो guys next जो product है वो है मेरे पास NY Bay का foundation concealer contour color corrector stick। मेरे पास इसके 2 से 3 shade already थे, जिसको मैं एक आई गेस ऑरेंज टिंट में था जिसको मैं अपना कलर करेक्टर की तरह यूज करती थी, एक थोड़ा सा उससे डार्क था जिसको मैं थोड़ा सा मतलब येलो टिंट में था जिसको मैं अपने कंसीलर की जगह पे यूज करती थी। और इस बार जो मैंने शेड मंगवाया है वो है शेड टॉफी। ये शेड मैंने मंगवाया है कॉन्टोरिंग के लिए। यस ये एक डीप कॉफी शेड है, इसको मैंने कॉन्टोरिंग के लिए मंगवाया है। गाइज इसकी जो MRP है वो 125 की है, आपको 100 rupees के नीचे ये प्रोडक्ट मिल जाता है। वैसे भी NY पर्पल एल्प्स के ऊपर बहुत अच्छे अच्छे ऑफर्स चल रहे हैं, क्योंकि ये पर्पल का इटसेल्फ ब्रांड है, तो आपको बाय वन गेट वन के ऊपर भी मिल जाता है। और इससे आप कॉन्टोरिंग, क्रीम कॉन्टोरिंग है ये, और बहुत इजीली ब्लेंड हो जाता है, आपको इवन ब्रश की जरूरत भी नहीं, बट आप अपनी फिंगर्स की हेल्प से बहुत इजीली इसको ब्लेंड कर सकते हैं। आप गाइज अगर कोई अच्छा कंसीलर, कोई अच्छा कलर करेक्टर ढूंढ रहे हैं अफोर्डेबल रेंज में, तो आप डायरेक्टली इसकी तरफ जा सकते हैं, क्योंकि मैं इसको काफी देर से यूज कर रही हूँ, बहुत अच्छा इफेक्ट देता है ये। बात करते हैं नेक्स्ट प्रोडक्ट की, तो यहाँ पे मैंने मंगवाया है स्टे क्वर्की का नेल पॉलिश। कुछ इस तरीके की इसकी पैकेजिंग है,
इसका जो शेड का नंबर लिखा हुआ है ये स्टे क्वर्की का, ये भी इटसेल्फ पर्पल का ब्रांड है, बहुत अच्छी खासी इसकी क्वालिटी अच्छी है। ऑल दो ज्यादा दिन मैंने इसको लगा के देखा है, ज्यादा दिन नहीं टिकता है, जल्दी ही उतर जाता है, चैप कर जाता है, बट इसके भी कलर रेंज बहुत अच्छी है, कलर बहुत बहुत प्यारा है, कुछ लाइक मेहंदी कलर नहीं होता, बिल्कुल वैसे का कलर है, सारे स्किन टोन को कॉम्प्लीमेंट करने वाला है। उसके बाद गाइस मेरे पास है बहुत सारी लिपस्टिक्स, लिपस्टिक्स के पहले मैं आपको एक और चीज दिखाना चाहती हूँ जो मैंने पर्पल से मंगवाई है, वो है वाओ की उपटन ब्यूटी बॉक्स, वाओ साइंस की तरफ से उपटन ब्यूटी बॉक्स। गाइस ये जो बॉक्स है ये मेरे को पर्पल वेबसाइट पे नजर आ गया स्क्रॉल करते टाइम। ये बॉक्स एक ऐसा बॉक्स है जिसके अंदर आपके स्किन केयर का पूरा डिजाइन, पूरा क्राइटेरिया, मतलब कह लो पूरे स्टेप्स आपके इसके अंदर इन्वॉल्व है, आपको किसी और की तरफ देखना नहीं पड़ता। और ये उपटन रेंज है विच मीन्स कि ये आपकी स्किन को बिल्कुल भी हार्श नहीं है, इसमें इंग्रेडिएंट्स भी आपको टर्मरिक सैफरन ये वाले मिल जाते हैं सारे के सारे इंग्रेडिएंट्स। और अगर जब आप इसको ओपन करते हैं तो कुछ इस तरीके की पैकेजिंग है। वैसे गाइस ये मेरे को मंगवाए हुए थोड़ा टाइम हो गया है, 1-2 महीने हो गए हैं मैंने इनको यूज किया है, मैं इसके ऑलरेडी बड़े पैकेज पैक्स वगैरह के ऑलरेडी बड़े टब्स यूज कर रही थी, तो मेरे को इसकी क्वालिटी बहुत अच्छी लगी तो मैंने इस पैक को मंगवाया था। ये आप गिफ्ट पर्पस के लिए भी गाइस यूज कर सकते हैं और अपनी सेल्फ स्किन केयर के लिए भी यूज कर सकते हैं। अगर अभी भी आपको कहीं पर्पल पे ये अवेलेबल मिलता है तो इसको एक ट्राई गाइस जरूर दीजिएगा। इसमें आपको मिल जाता है उपटन वाओ का उपटन बॉडी वॉश, उसके बाद आपको मिल जाता है यहाँ पे एक स्क्रब, एक फेस पैक, एक सीरम, साथ में आपको ये मिल जाता है टोनर, वाओ का टोनर, और एक ब्रश भी मिल जाता है, एप्लीकेटर ब्रश आप देख सकते हैं, और साथ में एक उन्होंने दिया लगाया हुआ था। तो बहुत बहुत अच्छी पैकेजिंग है इस पूरे बॉक्स की। गाइस जो MRP है वो है आई गेस 2100 की, 2200 की नियर अबाउट थी, बट ये फ्लैट 50% ऑफ में मिल गया था, 900 की 1000 की रेंज में मेरे को ये सारे प्रोडक्ट्स मिल गए थे। अगर मेरे को अभी भी कहीं पे अवेलेबल मिले तो मैं इसका जो लिंक है वो नीचे आपको शेयर कर दूंगी। गाइस चलते हैं नेक्स्ट प्रोडक्ट की ओर, मोस्ट अवेटेड प्रोडक्ट्स जो है हमारी लिपस्टिक्स। सबसे पहले मैंने परचेज किए हैं 4 बायोटिक की लिपस्टिक्स, ये 125 के आई गेस MRP के साथ है, 3-4 ईयर्स की इनकी शेल्फ लाइफ मिल जाती है, बट गाइस प्रोडक्ट की क्वालिटी बहुत अच्छी है, आपको बहुत अच्छी खासी मैट फिनिश देता है, ये कलर पे ऑफ बहुत अच्छा है, ओपेक पिगमेंटेशन है, लॉन्जिटिविटी बहुत अच्छी है, स्टेइंग पावर बहुत अच्छी है, और साथ के साथ कलर रेंज भी बहुत अच्छी है। मेरे पास जो फर्स्ट जो शेड है वो है कुकी क्रम्बल, मैं आपको सभी के हैंड स्वॉचेस दिखाऊंगी, ये जो शेड है ये सारे स्किन टोन को कॉम्प्लीमेंट करने वाला है। मेरे को सिर्फ इस लिपस्टिक में एक कॉन लगता है, बाकी तो सब प्रॉज है कि अफोर्डेबल है, पिगमेंटेशन अच्छी है, कलर रेंज अच्छी है, लॉन्जिटिविटी अच्छी है, आपको मैट फिनिश देता है, काफी सारे प्रॉज है। कॉन सिर्फ मेरे को एक लगता है कि मेरे को इसकी स्मेल पसंद नहीं है, इसकी स्मेल थोड़ी सी स्ट्रांग है, बट जब आप लगा लेते हैं तो थोड़ी देर में ये फेड ऑफ होनी स्टार्ट हो जाती है, थोड़ी देर में ये उड़ जाती है, आपको लगातार तंग नहीं करती। नेक्स्ट जो शेड है वो है प्रिटी पॉइजन, ये बहुत ही प्यारा ब्राइट न्योनिश सा पिंक शेड है, इसको लगाते टाइम आपको टग पुल करने की जरूरत नहीं पड़ती है, बिल्कुल ही क्रीमी मैट फॉर्मूला नहीं होता, 1 मिनट में आपके लिप्स पे अच्छे से सेटल हो जाती है और धीरे धीरे ये ट्रांसफर प्रूफ भी बन जाती है लिपस्टिक, और आपको विद इन 100 रुपीज मिल जाती है गाइस ये। नेक्स्ट जो शेड है इसमें वो है विंटर किस, लास्ट बट नॉट द लीस्ट इन दिस रेंज वन ऑफ माई फेवरेट शेड वो है बॉन्ड गर्ल। ओके थोड़ा रस्टी सा ब्राउनिश सा शेड नहीं होता, बिल्कुल वैसे का शेड है ये, बहुत प्यारा लगता है अप्लाई किया हुआ। ये है कुकी क्रम्बल, ये है प्रिटी पॉइजन बॉन्ड गर्ल, और ये है विंटर किस, बहुत प्यारे लगते हैं ये शेड्स। ओके तो चलते हैं हमारी नेक्स्ट लिपस्टिक की और, तो वो है 2 लिपस्टिक्स फ्रॉम स्विस ब्यूटी नॉन ट्रांसफर प्रूफ रेंज,
एक लिपस्टिक तो मैंने अप्लाई की हुई थी गाइज, वो है चोको बार 419। ये लिपस्टिक गाइज कंप्लीटली मैट है, ट्रांसफर प्रूफ है, मास्क फ्रेंडली है, स्मज प्रूफ है, लॉन्ग लास्टिंग है, स्टेन बार इसकी बहुत बहुत अच्छी है, और देखिए इसका कलर पे ऑफ भी बहुत अच्छा है, परफेक्ट न्यूड शेड लगता है मेरे को तो ये अप्लाई किया हुआ है। थोड़े डीप स्किन टोन वाले के लिए परफेक्ट न्यूड है, फेयर वालों के लिए थोड़ा ये चॉकलेटी सा कलर होएगा, मीडियम के लिए आप दोनों तरफ से ले सकते हैं इसको। मैंने अप्लाई किया हुआ था अंडर द लिप ग्लॉस, बहुत प्यारा शेड है। ओके, तो नेक्स्ट जो इसी रेंज में शेड है वो है रशियन रेड, रेड शेड है ये भी, नॉन ट्रांसफर प्रूफ रेंज में से ही है गाइस। ये आपको मिलेगा थोड़ा सा ब्राइट रेड, पॉपी ब्राइट सा रेड, बहुत प्यारा लगता है। नेक्स्ट है गाइस, मैंने मंगवाई दो लिपस्टिक्स फ्रॉम इनसाइड कॉस्मेटिक्स। फर्स्ट जो लिपस्टिक है वो है वार्म न्यूड शेड है, बाहर से इसकी पैकेजिंग कुछ इस तरीके की है, अंदर से कुछ इस तरीके की पैकेजिंग है, वार्म न्यूड शेड है इसका। ये भी एक मैट लिपस्टिक है, बट आप इसका कलर देखिए, पीची न्यूड शेड नहीं होता, पीची टिंट न्यूड में बिल्कुल वैसे का शेड है, बहुत प्यारा लगता है अप्लाई हुआ, खास करके फेयर स्किन टोन के ऊपर बहुत अच्छा लगता है। अगर आप मीडियम से डीपर स्किन टोन वाले हैं, सजेस्ट यू कि आप ब्राउन कलर के लिप लाइनर के साथ इसको अप्लाई कीजिए तो ये बहुत अच्छा लगेगा, नहीं तो आपका थोड़ा सा यू नो डीप स्किन टोन वाला को वॉश ऑफ कर सकता है ये। इसमें जो नेक्स्ट शेड मंगवाया है मैंने वो है इनसाइड कॉस्मेटिक की नॉन ट्रांसफर प्रूफ लिक्विड लिपस्टिक है ये गाइस। ये गाइस विद इन 100 रुपीज, आई गेस 80 रुपीज की आपको मिल जाती है, वो भी लिपस्टिक जो है वो आपको 82, इसकी आपको एमआरपी ही 80 रुपीज है और डिस्काउंट के बाद तो ये अच्छी खासी मिल जाएगी। इसकी एमआरपी भी आपको 80-90 की इन बिटवीन मिल जाती है, और इसमें जो मेरा शेड है वो है जॉयफुल, बहुत बहुत प्यारा परफेक्ट न्यूड शेड है, और ये भी शेड मोस्टली आउट ऑफ स्टॉक रहता है। स्मज प्रूफ, वाटर प्रूफ, लॉन्ग लास्टिंग, स्वेट प्रूफ, मास्क फ्रेंडली, सारे गुण हैं इस लिपस्टिक में, और इसकी कॉस्ट गाइस आपको 60-70 रुपीज मिलती है आफ्टर डिस्काउंट। इसमें भी कलर रेंज काफी अच्छी मिल जाती है आपको, और बहुत अफोर्डेबल रेंज में अगर आप बहुत अच्छी खासी लिक्विड लिपस्टिक ढूंढ रहे हैं तो आप इसकी तरफ जा सकते हैं। इनमें ऑल दो उन्होंने न्यू रेंज भी निकाल दिया, आप उसमें भी ट्राई दे सकते हैं, उसकी एमआरपी जो वो 110 रुपीज की, आप वो भी अगर आपको डिस्काउंट में मिलती है आप उसकी तरफ भी जा सकते हैं। बट ये जो शेड है ना गाइज, ये परफेक्ट न्यूड शेड है, ये शेड आपको उस रेंज में भी नहीं मिलेगा, और यहाँ पे भी ये बहुत ही आउट ऑफ स्टॉक रहता है, जब भी आपको मिले तो आप इसको एक ट्राई जरूर दीजिएगा। ओके गाइज, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, लास्ट जो लिपस्टिक है वो है एनवाई बे की कलेक्शन में से लिपस्टिक पेपी पियर्सन। ये जो लिपस्टिक है 4.2 ग्राम्स की क्वांटिटी के साथ आती है, इसकी प्राइस भी आई गेस 100 के आसपास ही है। ये भी एक परफेक्ट न्यूड शेड है, बट बहुत बहुत प्यारा न्यूड शेड है, प्योर प्योर मैट लिपस्टिक है। फॉर एवरीडे बेसिस, फॉर कॉलेज गोइंग गर्ल्स, फॉर ऑफिस गोइंग लेडीज गर्ल्स, सभी के लिए ये कलर बहुत अच्छा है। ये पूरा प्रॉपर न्यूड शेड है, ये पीची न्यूड शेड है, ये आपको ब्राउन टिंट में न्यूड शेड मिलेगा, और ये जो शेड्स मैंने आपको बायोटिक के दिखाए थे ये थोड़े से पॉपी कलर है, बहुत प्यारे शेड्स। मैंने सारी वैरायटी आपके साथ शेयर कर दी है लिपस्टिक्स की, आपको काफी अच्छी सारी वैरायटी इसमें मिल जाएगी, तो आप चेक कर सकते हैं। तो गाइस आज की वीडियो के लिए बस इतना ही, होप ये हॉल वीडियो आपको अच्छी लगी हो, ये मेकअप के प्रोडक्ट्स, ये लिपस्टिक्स आपको अच्छी लगी हो, तो इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। अगर आप कुछ भी पूछना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। आज की वीडियो के लिए बस इतना ही, आप सेल का फायदा उठा सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर, सी यू सून इन माई नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए खुश रहिए, अपना ध्यान रखिए, और गाइस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।